नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं नॉलेज बज और आज के वीडियो में हम रिव्यू करेंगे किरण प्रकाशन के बीपीएससी टीआरई टीचर रिक्रूटमेंट एग्जाम प्राथमिक विद्यालय शिक्षक कक्षा 1 से 5 सामान्य अध्ययन प्रैक्टिस वर्कबुक है। और ये बुक दोस्तों आपको डिटेल सॉल्यूशन के साथ आपको देखने को मिलेगा। किरण प्रकाशन का ये बुक है दोस्तों, और इस बुक में कंप्लीट आपको प्रैक्टिस सेट आपको देखने को मिलेंगे एग्जाम ओरिएंटेड, जिसमें सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको प्राथमिक मैथ से समान जागरूकता, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, मानसिक क्षमता मतलब रीजनिंग, उसके बाद सामान्य विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और भूगोल और पर्यावरण, ठीक है। तो ये सभी आपको कवर किए गए इस बुक के अंदर। कुल मिला के आपको 120 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। एक क्वेश्चन 1 मार्क्स मतलब 120 मार्क्स का एग्जाम होगा। परीक्षा अवधि 2 घंटे का होगा। उसके बाद यहाँ पे ये SCERT जो पाठ्यक्रम है उस पर आधारित है, मतलब बिहार बोर्ड पे ये आधारित ये बुक आपको देखने को मिलेगा। और MCQ क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। बिहार स्टेट टेस्ट बुक पब्लिशिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा प्रकाशित ये बुक है दोस्तों। कक्षा 1 से 5 के पाठ्यक्रम पर आधारित है। 120 प्रश्नों का ये प्रैक्टिस बुक है, ठीक है ना, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आप लोगों को पता होगा कि 30 मई को BPSC द्वारा घोषित किया गया था नवीनतम प्रारूप SCERT पाठ्यक्रम पर आधारित। 120 क्वेश्चन इस बुक के अंदर दिया गया है। किरण प्रकाशन का ये बुक है दोस्तों, क्लास 1 टू 5 के लिए बहुत ही शानदार बुक है। अब दोस्तों आप देखेंगे यहाँ पर इस बुक का जो MRP है दोस्तों, ₹245, जिसपे आपको ऑनलाइन ऑफलाइन डिस्काउंट मिल जाएगा। और अगर आपको भाषा टेस्ट के लिए ये बुक चाहिए होगा तो इस बुक का मैंने रिव्यू कर दिया, तो इसे भी आप ले सकते हैं। और इनके एग्जाम वाइज सारे बुक आते हैं, ठीक है। किरण इंस्टीट्यूट है, किरण प्रकाशन, 30 मई को BPSC द्वारा, मतलब ये पूरा दोस्तों देख सकते हैं, ये लैंग्वेज टेस्ट का प्रैक्टिस वर्कबुक है जिसमें अंग्रेजी और हिंदी भाषा को शामिल किया गया, तो इसका मैंने कंप्लीटली रिव्यू किया हुआ, तो आप देख सकते हैं। अब दोस्तों आप देखेंगे यहां पर कि इस बुक में नंबर ऑफ पेज आपको 272 देखने को मिलेंगे। 272 पेज आपको इस बुक के अंदर देखने को मिलने वाले हैं। और साथ में दोस्तों आप दोस्तों यहां देखेंगे कि ये बुक दोस्तों किरण प्रकाशन का ये बुक है, ठीक है ना। अब दोस्तों सारा कुछ आपको इस बुक में देखने को मिलेगा। बिहार रिक्रूटमेंट एग्जाम और सिलेबस पर आधारित ये सामान्य अध्ययन का बुक है, जिसमें 120 प्रश्न है, 20 सेट आपको देखने को मिलने वाले हैं, ठीक है। अब दोस्तों आप देखेंगे, सबसे पहले बताया गया कि कैसे आपको बिहार टीचर के लिए तैयारी करना है, स्थायी टीचर आप कैसे बन सकते हैं, और जो BPSC SCERT द्वारा क्लास 4 एवं 5 के लिए प्रकाशित पर्यावरण और हम पुस्तक पर आधारित MCQ आपको इस बुक के अंदर देखने को मिलने वाला है। मॉडल प्रैक्टिस सेट आपको देखने को मिलेगा, जिसमें आपको मैंने बता दिया कि मैथ्स हो गया, रीजनिंग हो गया, उसके बाद आपको सामान्य जागरूकता और सामान्य विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन एवं भूगोल, पर्यावरण आपको देखने को मिलने वाला है। सभी सेट का यही क्रमांक होने वाला है, सभी सेट में आपको इसी तरह के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। टोटल 20 सेट आपको इस बुक के अंदर देखने को मिलने वाला है। अब दोस्तों यहाँ सफलता के सूत्र के बारे में बताया कि आपको ये बिहार टीचर आप कैसे बन सकते हैं। सबसे पहले आपको बताया गया कि 15 जून से लेकर 12 जुलाई तक आप इसके फॉर्म को भर सकते हैं। और प्राइमरी लेवल के टीचर के लिए 80,000 वैकेंसी है, ठीक है, जिसमें सामान्य टीचर है 67,000 और उर्दू 12,000 और बांग्ला 148, ठीक है। तो इस तरह से आपको ये बता दिया गया, सारा जानकारी इस एग्जाम से रिलेटेड बताया गया है, बहुत ही शानदार तरीके से एग्जाम पैटर्न, सिलेबस सारा कुछ आपको देखने को मिल जाएगा। डिटेल सिलेबस से क्या क्या है सब कुछ आपको देखने को मिलेगा, ठीक है ना। तो इस बुक को दोस्तों आप जरूर ले सकते हैं। और साथ में इनके कुछ और बुक होते हैं जिनको फॉलो कर सकते हैं GK को अच्छा करने के लिए, जैसे सामान्य ज्ञान का ये बुक आता है किरण प्रकाशन का, हिंदी और इंग्लिश मीडियम में दोनों का मैंने रिव्यू किया हुआ है GK का। उसके बाद ये राज्य व्यवस्था का सार संग्रह है, उसके बाद भारतीय इतिहास का सार संग्रह, खान सर का भूगोल का सार संग्रह हो गया, उसके बाद इकोनॉमिक्स का हो गया, पर्यावरण का सार संग्रह होता है, ठीक है। तो ये सब बुक इनके कुछ आते हैं। और यहाँ पे नियमावली के अकॉर्डिंग टू, मतलब नियमावली के अनुसार इस बुक को तैयार किया गया दोस्तों, जो नया वाला आया है। चलिए हम सेट को देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे दोस्तों देखेंगे ये SCERT द्वारा क्लास 4-5 के लिए प्रकाशित है पर्यावरण और हम पुस्तक पर आधारित MCQ यहाँ देखने को मिलेंगे आपको। तो सबसे पहले अध्याय 1 के MCQ को कवर किया गया, फिर उसका आंसर की आपको देखने को मिलेगा उसके तुरंत बाद। उसके बाद अध्याय 2 कोई देता अंडे, कोई देता बच्चे, उसके बाद अध्याय 3, इसी तरह से करके सारे अध्याय को कवर किया गया है, ठीक है। पर्यावरण और हम, त्यौहार और भोजन, हरियाली और हम, उसके बाद जरों की जकर, उसके बाद देख तमाशा,
उसके बाद अध्याय 9 हो गया, इस तरह से अध्याय 13, अध्याय 19, अध्याय 23, ठीक है, इस तरह से देखने को मिलेगा। क्लास 4 24 अध्याय क्लास 4 में देखने को मिलेगा, और यहाँ पे क्लास 5 में आपको पर्यावरण पर्यावरण हम अध्याय 1 पटना से नथुला की यात्रा, इस तरह से आपको क्लास 5 में मैं बता दूँ टोटल आपको कितना अध्याय देखने को मिलेगा। यहाँ पे 21 अध्याय आपको देखने को मिलने वाला है। तो यहाँ पे पर्यावरण के बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे प्रैक्टिस के लिए, और सभी का आंसर की आपको देखने को मिल जाएगा। अब चलिए हम दोस्तों देख लेते हैं, यहाँ पे मॉडल प्रैक्टिस सेट को देख लेते हैं, जिसमें सबसे पहले आपको प्राथमिक गणित और मानसिक क्षमता देखने को मिलेगा, मैथ्स और रीजनिंग का आपको सबसे पहले सेट आपको देखने को मिलेगा। जो क्वेश्चन का लेवल है दोस्तों काफ़ी अच्छा है, प्रिंटिंग क्वालिटी और पेपर क्वालिटी अच्छा देखने को मिलेगा। क्वेश्चन आपको एग्जाम ओरिएंटेड दिया गया, जिस तरह से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे उसी तरह के क्वेश्चन को यहाँ पर शामिल किया गया है, ठीक है। और यहाँ पे दोस्तों आप क्वेश्चन देख रहे हैं, क्वेश्चन का लेवल काफ़ी अच्छा है, टोटल आपको 40 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे मैथ्स और रीजनिंग से, ठीक है। इसी तरह से आपको एग्जाम में भी देखने को मिलेंगे, हर टाइप के क्वेश्चन शामिल किए गए, जिसमें आप दोस्तों देख सकते हैं प्रॉफिट लॉस हो गया, उसके बाद एलसीएम एचसीएफ हो गया, नंबर सीरीज हो गया, उसके बाद रीजनिंग के क्वेश्चन है, मेंसुरेशन के क्वेश्चन है, ठीक है, मेंसुरेशन, फिर ट्रायंगल से क्वेश्चन पूछा गया है, सारे टाइप के क्वेश्चन है, प्रॉफिट लॉस हो गया, एसआईसीआई हो गया, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे समान जागरूकता, सामान्य विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, राष्ट्रीय आंदोलन और भूगोल, पर्यावरण, सबको मिला जुला के यहाँ क्वेश्चन पूछे गए हैं, जिसमें आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे ऐसे मैं बता दूँ एग्जाम में तो मिक्स क्वेश्चन होंगे। यहाँ पे दोस्तों देखेंगे भारत में कितने राज्य समुद्र किनारे हैं, तो ये बहुत ज़्यादा बार है सभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। तो इस तरह के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। मलेरिया विनाशक कुनैन डैश वृक्ष से मिलता है, तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसका आंसर हो सके तो आप लोग कमेंट सेक्शन में आप लोग बताइएगा। तो बुक दोस्तों अच्छा है, अच्छे अच्छे क्वेश्चन का आपको कलेक्शन देखने को मिलेगा, मतलब एस सी ई आर टी पे आधारित ये बुक है दोस्तों, काफ़ी अच्छा बुक है दोस्तों, और इसी तरह के क्वेश्चन आपको एग्जाम में भी देखने को मिलने वाले हैं। टोटल आपको 120 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे टोटल, और 120 क्वेश्चन का आपको आंसर की देखने को मिल जाएगा। उसके बाद दोस्तों आपको डिटेल सॉल्यूशन, दोस्तों देख सकते हैं कितना ज़्यादा स्टेप, मतलब हर एक स्टेप को फॉलो किया गया है, और डिटेल में आपको सॉल्यूशन देखने को मिलेगा। आप आसानी से किरण पब्लिकेशन के सॉल्यूशन को समझ सकते हैं। सॉल्यूशन दोस्तों बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही सिंपल देखने को मिलता है किरण प्रकाशन के बुक में, और ये बुक दोस्तों टॉपर्स प्रिफर करते हैं, ठीक है। इस बुक को आप हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में ले सकते हैं। जीके का सॉल्यूशन को दोस्तों देखिए, एक क्वेश्चन से दो तीन क्वेश्चन आप तैयार कर सकते हैं, बहुत ही ज्यादा अच्छा सॉल्यूशन है। जैसे एक सॉल्यूशन मैं पढ़ के आपको बताता हूँ, कोई भी सॉल्यूशन आपको मैं देख के बताता हूँ। जैसे यहाँ पूछा गया है कि पर्वतारोही का नेहरू संस्था उत्तराखंड के उत्तरकाशी में स्थित है, इसकी स्थापना 14 नवंबर 1965 को हुई थी। इस संस्था का गठन भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की इच्छा का सम्मान करने के लिए किया गया था। तो एक क्वेश्चन है दोस्तों, तीन चार पॉइंट में आपको आंसर देखने को मिलेगा, वो भी बहुत सिंपल लैंग्वेज में, आप आसानी से इनके सॉल्यूशन को समझ सकते हैं बहुत ही बेहतरीन तरीके से। तो आपके मन में कोई डाउट होगा तो आप लोग कमेंट करके मुझे बताइएगा। इसी तरह से आपको सारे सेट आपको देखने को मिलेंगे, प्राथमिक गणित एवं मानसिक, मतलब गणित और मैथ्स और रीजनिंग का सबसे पहले 40 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा, हर एक टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। फिर 80 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा समान जागरूकता, सामान्य विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, और उसके बाद भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भूगोल और पर्यावरण। मतलब इसमें मैं बता दूँ कि इतिहास, पुराने प्राचीन और मध्यकालीन भारत से एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, केवल आधुनिक भारत के क्वेश्चन पूछे जाएंगे 1905 से लेके 1857 से लेके, ठीक है ना, 1947 तक के क्वेश्चन आपको देखने को मिलने वाले हैं। आंसर की दोस्तों बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन है बुक दोस्तों, काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, इस बुक को चाहे तो आप ले सकते हैं, बुक में कोई भी कमी आपको देखने को नहीं मिलने वाला है, ठीक है। आप लोग कमेंट करके दोस्तों मुझे बताइएगा कि बुक आपको कैसा लग रहा है। वीडियो दोस्तों अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करके, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट कीजिएगा, ठीक है ना। और इस बुक में दोस्तों टोटल आपको 272 पेज देखने को मीलेंगे, ये बुक आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में आपको देखने को मिलेगा। बुक दोस्तों बहुत ही ज़्यादा शानदार है, इस बुक को आप ले सकते हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन ले सकते हैं, किरण पब्लिकेशन के बुक बहुत ही ज़्यादा फेमस होते हैं, लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। और बुक आप लोग को कैसा लगा आप लोग कमेंट करके मुझे बताइएगा। इनके और भी बुक के बारे में बता दो दोस्तों, अगर आपको डिटेल में जीके पढ़ना है तो इनके बुक ले सकते हैं, प्राचीन भारत का इतिहास है ये बुक भी काफ़ी अच्छा है, उसके बाद भारत एवं विश्व का भूगोल ये गुरु रहमान सर का बुक है, भौतिक विज्ञान हो गया, अर्थशास्त्र हो गया, जीव विज्ञान हो गया, रसायन विज्ञान हो गया, राजव्यवस्था हो गया, भारत का भूगोल हो गया,
भारत, प्राचीन भारत का इतिहास हो गया, मध्यकालीन भारत, आधुनिक भारत का ये बुक इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इस बार पूछा जा रहा है बिहार सामान्य ज्ञान, झारखंड सामान्य ज्ञान, तो ये सब बुक आते हैं। कुछ खान सर की भी बुक आते हैं, जैसे ये दोस्तों देख सकते हैं, इकोनॉमिक्स 3000+, भूगोल 7000+, सार संग्रह, इतिहास 6000+, सार संग्रह, राजव्यवस्था 3000+, पर्यावरण 4000+, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, उसके बाद न्यूमेरिकल साइंस का सार संग्रह एग्जाम वाइज आपको देखने को मिलेगा। तो ये खान सर के कुछ बुक आते हैं, तो बुक दोस्तों काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन है, इस बुक को आप ले सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करके, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट कीजिएगा। आशा करता हूँ कि आज का दिन आप लोगों का काफ़ी अच्छा रहे। अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं। थैंक यू।